क्या अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने चुनावी फायदे के लिए इराक और सीरिया में हमले किए हैं? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर से चुनाव जीतने के लिए पश्चिम एशिया को आग में झोंक रहे हैं? अमेरिका के कट्टर दुश्मन रूस के आरोप से ये सवाल उठे हैं। रूस ने आरोप लगाया है कि दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व को बचाने और आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले बाइडेन प्रशासन अपनी छवि चमकाने के लिए आक्रामकता दिखा रहा है। वहीं इस मामले पर अमेरिका का कहना है कि उसके हमले वैध हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने किस आधार पर इन हमलों को वैध बताया है और पूरा मामला आखिर है क्या? चलिए आपको बताते हैं हर बड़ी बात। दरअसल हुआ यह है कि पिछले कुछ वक्त में अमेरिका और ईरान समर्थित उग्रवादियों के बीच लड़ाई तेज हुई है। इसी क्रम में हाल ही में जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर बड़ा हमला हुआ था। इसके बाद अमेरिका ने भी इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया के खिलाफ हमले किए। इस लड़ाई में गाजा पट्टी में चल रहे इसराइल और फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास के बीच युद्ध की भी बड़ी भूमिका है। इसराइल का करीबी दोस्त अमेरिका लगातार इसराइल की मदद करता रहा है। वहीं ईरान, जो इसराइल और अमेरिका का कट्टर दुश्मन है, वो सीधे तौर पर इस युद्ध में नहीं उतरा है, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान समर्थित उग्रवादियों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमले तेज कर दिए। जैसे इन उग्रवादियों में यमन में प्रभावी हुती विद्रोही भी शामिल हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद हुतियों ने लाल सागर में इसराइल की ओर जाने वाले जहाजों पर हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रमुख व्यापार मार्ग पर हुतियों का खतरा इतना बड़ा हो गया कि प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने इस क्षेत्र से आना जाना बंद ही कर दिया। मतलब व्यापार के आधार पर भी हुतियों के इन हमलों का असर दुनिया के कई हिस्सों पर पड़ने लगा। उधर अमेरिका ने अपने और सहयोगी देशों के हितों को बचाने की दलील देकर हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। वहीं हुती विद्रोही यहां तक कह चुके हैं कि जरूरत पड़ने पर वो फिलिस्तीनियों के समर्थन में इसराइल के खिलाफ सीधे युद्ध में उतरने को भी तैयार हैं। बात रूस की करें तो वो ईरान का करीबी है। रूस जिस यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में रूस और अमेरिका ने एक दूसरे पर निशाना साधा है। परिषद के कई सदस्य देशों ने पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका भी जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वैसिली नेबेंजिया ने अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने और पश्चिम एशिया में अराजकता और विनाश के बीज बोने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की हिंसा फिलिस्तीनी क्षेत्रों से लेकर लेबनान, लाल सागर और यमन तक बढ़ गई है और ये पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को नाकाम कर रही है। रूसी राजदूत ने दावा किया कि अमेरिका मौजूदा बाइडेन प्रशासन की छवि को सही ठहराने के लिए आगामी राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका किसी भी कीमत पर दुनिया में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के प्रयास में सैन्य कार्रवाई कर रहा है। वहीं अमेरिकी उपराजदूत रॉबर्ट वुड ने इसके जवाब में कहा कि अमेरिका को अपने सुरक्षा बलों पर हमले के खिलाफ आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और उसने जो कार्रवाई की है वो जरूरी और हमलों के जवाब में थी। वुड ने कहा कि अमेरिका क्षेत्र में और ज्यादा संघर्ष नहीं चाहता और वो गजा में संघर्ष को रोकने या कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। वुड ने कहा, हम ईरान के साथ सीधा संघर्ष नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपने कर्मियों की रक्षा करना जारी रखेंगे। उन्होंने ईरान पर अपने चरमपंथी लड़ाकों पर लगाम लगाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। बात ईरान की करें तो वो भी अपने करीबी लड़ाकों की हरकतों से पल्ला झाड़ते हुए दिखा है। जैसे जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमले के बाद ईरान ने कहा था कि प्रतिरोधी समूह इसराइल की ओर से युद्ध अपराधों का जवाब दे रहे हैं, वे ईरान से आदेश नहीं लेते हैं। अब अगर इसराइल हमास युद्ध को केंद्र में रखा जाए तो इसराइल पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि उसके हमलों में आम लोग हताहत हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिका तक खुले मन से उससे संभल कर आगे बढ़ने को कह चुका है, मगर इसराइल साफ कर चुका है कि वो हमास के खात्मे तक और उन लोगों की रिहाई तक युद्ध नहीं रोकेगा जिनको 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के दौरान बंधक बनाया गया था। इस मामले में इसराइल ने यह भी संकेत दे दिया है कि वो अमेरिका की हर बात नहीं मानेगा। היעד ההכרחי הוא קודם כל חיסול החמאס. כדי להשיג את היעד הזה דרושים שלושה דברים. ראשית, נדרש מיטוט הגדודים של החמאס. עד היום מיטטנו 17 מתוך 24 גדודים. רוב הגדודים שנשארו הם בדרום הרצועה, ברפיח, ונטפל גם בהם.
שנית, נדרשות פעולות טיהור לאחר מיטוט הגדודים, כפי שכוחותינו עושים בנחישות ובפשיטות תקיפות מאוד בצפון הרצועה ובמרכזה. שלישית, נדרש נטרול התת-קרקע, כפי שכוחותינו עושים בשיטתיות בח'אן יונס ועושים בכל חלקי הרצועה, וזה דורש עוד זמן. אנחנו לא נסיים את המלחמה לפני שנשלים את כל יעדיה. חיסול החמאס, השבת כל חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. המאמצים לשחרור חטופינו נמשכים כל העת. כפי שהדגשתי גם בקבינט הרחב, לא נסכים לכל עסקה ולא בכל מחיר. הרבה דברים שנאמרים בתקשורת כאילו הסכמנו להם, כגון מה שקשור בשחרור מחבלים, אנחנו פשוט לא נסכים להם. ישראל היא מדינה ריבונית. אנחנו מעריכים מאוד את התמיכה שקיבלנו מממשל ביידן מאז פרוץ המלחמה. תמיכה בחימושים, תמיכה במוסדות בינלאומיים, בשליחת כוחות למרחב ועוד. אין זה אומר שאין בינינו חילוקי דעות, אבל עד היום הצלחנו להתגבר עליהם בהחלטות נחושות ושקולות. החוכמה היא לדעת איך לנווט, להגיד כן כשאפשר ולהגיד לא כשצריך. אני לא צריך עזרה כדי לדעת איך לנווט את יחסינו מול ארצות הברית והקהילה הבינלאומית, תוך עמידה איתנה על האינטרסים החיוניים שלנו. ברוך השם, אני עושה זאת כמה שנים. כמדינה ריבונית שנלחמת על קיומה ועתידה, את ההחלטות שלנו אנחנו מקבלים בעצמנו, גם באותם מקרים שבהם אין הסכמה עם ידידינו האמריקנים. בימים האחרונים חשפנו לעולם שאונר"א משתפת פעולה עם החמאס, ושחלק מהאנשיה אף השתתפו במעשי הטבח ומעשי החטיפה של השבעה באוקטובר. זה רק מחזק את מה שידענו כבר הרבה זמן, שאונר"א היא לא חלק מהפתרון, אונר"א היא חלק מרכזי מהבעיה. הגיע הזמן להתחיל את תהליך ההחלפה של אונר"א בגופים אחרים שאינם נגועים בתמיכה בטרור. תודה רבה. तो मामले में बहुत सी चीजें उलझी हुई हैं, लेकिन जब आप तनाव बढ़ने की जड़ में जाएंगे तो आपको हर पक्ष किसी न किसी मोर्चे पर जिम्मेदार दिखेगा ही।